आप, मैं वसीम किरमानी, आज मीरागंज जो गांव है डीसी साहब के बंगले के पीछे, मीरागंज गांव में एक जो सो ना माइनॉरिटी का मुरादजी देसाई रेसिडेंस पीयू कॉलेज, यहां पर वो बिल्डिंग यहां पर शिफ्ट हुई है। वो बिल्डिंग के लिए मैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग के पास ठहरा हूं। ये देखो नई बिल्डिंग बनी है, इसके अंदर काफ़ी फैसिलिटीज़ है। रेसिडेंशियल बच्चियों को पढ़ने के लिए, रहने के लिए अच्छा इंतज़ाम किया गया है। नई बिल्डिंग है, हर चीज़ की उनको जो सो ना रेसिडेंशियल की सहूलत है, फूड की सहूलत है, अकोमोडेशन की सहूलत है, बेहतरीन रेसिडेंशियल सिस्टम बनाया गया है। और दूसरा बाजू में ये कॉलेज की बिल्डिंग है, मुरादजी देसाई PUC कॉलेज की बिल्डिंग है। यहाँ पर बच्चियाँ जो सो ना तालीम हासिल करेंगी और यहाँ पर आकर जो सो ना अपना रहन सहन करेंगे। यहाँ पर उनका रहने का मुकाम है, यहाँ पर तालीमी मुकाम है। ये बेहतर सिस्टम है कि यहाँ पर बाजू में ही एजुकेशन मिलेगा और बाजू में भी इनको रेसिडेंशियल की सहूलत है, तो ये काफ़ी अच्छा है। या एक जगह हॉस्टल है, एक जगह कॉलेज है, दूर दराज का डिस्टेंस भी नहीं है, कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है। ये जो हुकूमत ने ये जो काम किया है, काफ़ी बेहतर काम किया है। ये काम करने के वास्ते बिदर MLA हो या इंचार्ज मिनिस्टर हो या हमारे जो भी डिपार्टमेंट के लोग हो, पॉलिटिशियंस हो, जितने लोग भी ये काम करने के लिए आगे बढ़कर काम करे हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद कहता हूँ। काबिले तारीफ काम हुआ है। बिलखुसूस हमारे KMDC ऑफिसर का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो जब से आए हैं, जब से एक्टिविटीज़ अच्छे कर रहे हैं, डेवलपमेंट काम के लिए कर रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब। आज हम गवर्नमेंट माइनॉरिटी मुरादजी देसाई रेसिडेंशियल PU कॉलेज फॉर वुमेन्स के अंदर मौजूद है। आइए, हमारे जो यहाँ के प्रिंसिपल साहब है, साहब आपका नाम? संतोष कुमार साहब प्रिंसिपल साहब है। आइए, यहाँ पर एक ये जो मुरादजी देसाई PUC वुमेन्स कॉलेज जो रेसिडेंशियल है माइनॉरिटीज का, तो यहाँ पर इसकी नई बिल्डिंग बनी है, पूरा अच्छी फर्स्ट क्लास बिल्डिंग बनी है और रेसिडेंशियल फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी है। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी नई है और जो टीचिंग की बिल्डिंग है वो भी नई है ना सर? नहीं। कितने दिन हुआ सर कि आप यहाँ पर शिफ्ट हो गए? चार दिन हुआ ये बिल्डिंग। यहाँ पर देखिए 2022-2023 का जो रिजल्ट है ये रेसिडेंशियल कॉलेज का, इसका जो QC सेकेंड ईयर का 90% इसका रिजल्ट है। 90% सॉरी 96% रिजल्ट आया और ओवरऑल QC सेकेंड ईयर का जो रेसिडेंशियल वुमेन्स का 96%, बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है। बहुत ही अच्छे जो सुना साहब का जो सुना टीचिंग मेथड है, आपका जो डिसिप्लिन है और आपने जो खिदमत दिए, जो मेहनत करे, काफी काबिले तारीफ है। और सब डिस्टिंक्शन कितने हैं इसमें? डिस्टिंक्शन 7 और फर्स्ट क्लास 41। डिस्टिंक्शन 7 और फर्स्ट क्लास 41, तो नो सेकंड क्लास, नो थर्ड क्लास, एकदम पूरे टॉप क्लास। तो ये देखिए कितनी अच्छी खुशी की बात है और कितना अच्छा मैसेज है। तो सब, और एक क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर टोटल एडमिशन कितने रहते हैं? एक पर ईयर को 80 एडमिशन होते हैं। इनटेक 80 है फर्स्ट ईयर को, सेकंड ईयर 80, टोटल 160 का सैंक्शन है, 160 हम लेते हैं जी। उसमें माइनॉरिटी 75% और नॉन माइनॉरिटी 25%। तो माइनॉरिटीज में जो हमारे आते मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्ध, जैन, सिख, पारसी, हाँ सिक्स कम्युनिटीज आते हैं उसमें, सिक्स कम्युनिटीज आते हैं। और जो कैटेगरी वन का, कैटेगरी 1, 2A, 2B, 3A, 3B, SC, ST ये नॉन माइनॉरिटी में आते हैं, ये 25% हम लेते हैं। तो ये ऊपर जो माइनॉरिटीज है वो 75% तो बिल्कुल ये। और इसके साथ हम क्या करते हैं, फ्री नीट CET और JEE ये कोचिंग हमारे डिपार्टमेंट से फ्री दे सकते हैं। फ्री नीट की भी और नीट CET एंड JEE ये भी है फ्री। तो कुछ बच्चियां दिए JEE के लिए, एक बच्ची हमारे टॉपर है, एक टॉपर भी है। हाँ, तो हाँ। हमारे स्टेट में फर्स्ट हमारे डिपार्टमेंट से फर्स्ट लाइन स्कोर ज्यादा लिए है जी। तो उनका बैड लग लिए, वो जे में है जी, तो उसका SW में सेलेक्ट हुआ था लेकिन उसका SW सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए वो लोग बैक रह गए। अभी नीट का एग्जाम दिए बच्चे हमारे, बहुत सारे बच्चे हाँ। और CET का एग्जाम परसों दे दिए। कितने बच्चे दिए सर? सो 40 तक बच्चे एग्जाम दे दिए। 40 तक बच्चे एग्जाम नीट एंड CET दे दिए। नीट एंड CET 40 तक बच्चे दे दिए। रिजल्ट के लिए वो अभी वेटिंग है, तो रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, इसलिए अगर हम उम्मीद करते हैं अल्लाह से कि आपकी खिदमत मेहनत कामयाब हो, जो बच्चे 40 बच्चे
नेट और सीईटी के जो एग्जाम दिए हैं उनका अच्छा रिजल्ट आया है। बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग को आपके सिलेक्शन होकर हमारी ऐसी शुभकामना है और इंशाल्लाह जब रिजल्ट आएगा तब फिर आके हम आपसे मिलकर आपके स्टूडेंट्स को जो है ना हम अप्रिशिएट करेंगे। और आपके काफी अच्छे दिस्मार्ट है सर, का आपका नाम? संतोष कुमार साहब, प्रिंसिपल बात कर रहे हैं, एज ए प्रिंसिपल है आप बात कर रहे हैं सर। अरे आप फूड सिस्टम कैसा सर, बच्चों को फूड सिस्टम? फूड हम मॉर्निंग डेली मॉर्निंग वीकली क्या करते हैं, डेली एक नाश्ता देते हैं सुबह, और दोपहर को खाना रहता है डेली के तरकारी अलग अलग रहता है, और शाम को खाना रहता है, और एक डे बैलना एक देते हैं, और 15 दिन को एक बार हम चिकन देते हैं, जितने भी बच्चे हैं और स्नैक्स मिलता है शाम को 4:30 बजे, ये हमारा डेली रूटीन का है। डेली रूटीन अब एजुकेशन सिस्टम को बोलने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट ही बता रहा है, और जो फूड का आप बता दिए। अब अकोमोडेशन का जो सुना ऑलरेडी बिल्डिंग नहीं है, फर्नीचर नहीं है, तो हमारे जो भी उधर का माल मटेरियल था बेड कॉट सभी वो हम इधर शिफ्ट करे, तो इसका अभी जो इधर पानी का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है वो पानी का भी थोड़ा 2-4 दिन में हम सॉल्व कर लेते हैं, और क्या है बोले तो इधर क्वार्टर्स का अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हमारे पास जब पुराने काल में उधर क्वार्टर्स था सभी लेक्चर स्टाफ उधर रहते थे, और अभी हम क्या है इधर क्वार्टर्स नहीं है, अगर हो सके तो हम इधर ही कॉलेज परमानेंट बना के इधर ही क्वार्टर्स का भी एक हम प्रपोजल हम गवर्नमेंट को डिपार्टमेंट को भेज दें। बिल्कुल, हम भी रियासत कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया साहब से और बिल्कुल बिदर से हमारे जो विधायक साहब है और रियासत के म्यूनिसिपल मिनिस्टर है जो लास्ट 15 साल से रहीम खान साहब जो सुना है यहाँ के विधायक है, और उनकी कारकर्दगी में इतना डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं, ये भी देखिए कैसे बिल्डिंगे बन चुके हैं। तो मैं विधायक रहीम खान साहब से और जो हमारे प्रेजेंट रहीम खान साहब जो म्यूनिसिपल मिनिस्टर है आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे साथ जो रिजल्ट आए हैं हमारे बिदर का नाम रोशन कर रहे हैं, इनको जितना सपोर्ट हो सके, इनको पानी की फैसिलिटीज के लिए यहाँ पर खवातीन पढ़ते हैं महिलाओं का स्पेशल, इनके लिए जो जो भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट से मिलना चाहिए, जो यहाँ पर तकलीफ है और हर तकलीफ को दूर करके अच्छे सिस्टम अच्छे एजुकेशन के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ। हमारे अगर मेरी आवाज वक्त के चीफ मिनिस्टर ऑफ तक जा रही है तो उनसे भी मेरी गुजारिश है, और रहीम खान साहब से भी जो मिनिस्टर साहब है म्यूनिसिपल गुजारिश है कि ये एक बार यहाँ पर विजिट कीजिए साहब, आपकी की मेहनत है जो इतना अच्छा हमारे बिदर में एजुकेशन सिस्टम डे बाय डे ग्रोथ होते जा रहा है, मैं हर इंस्टीट्यूशन को जा रहा हूँ साहब। तो